वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेयर केयर। आज मैं आपको बॉडी हेयर रिमूवल कौन सा सबसे बेस्ट है उसके बारे में कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेरे पास क्या क्या है। मैं वीट वैक्सिंग स्ट्रिप, वीट हेयर रिमूवल क्रीम, वेगा सिल्क टच ट्रिमर और वीनस। सबसे पहले वीट वैक्सिंग स्ट्रिप यूज करेंगे, उसके बाद वीट हेयर रिमूवल क्रीम, देन वेगा सिल्क टच ट्रिमर, देन वीनस। कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा सबसे बेस्ट है और आप कौन सा यूज करते हो। तो सबसे पहले गाइस, मैं वीट वैक्सिंग स्ट्रिप यूज करने जा रही हूँ। ये बॉडी वैक्सिंग किट है और इसमें 20 स्ट्रिप्स होती है। पहले गाइस इसको दोनों हाथों के बीच में रख के इसको रब करते हैं, फिर इसको जिस साइड में ऐसे राउंडेड है उस साइड से आपको ऐसे पकड़ के इसको बीच से ओपन करना है। हाथ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये तरीका सही नहीं है, इस तरह से आप हाथ पे हेयर रिमूव नहीं करेंगे। आपको हमेशा की वैक्सिंग स्ट्रिप इस तरह से ही यूज करना है। इसका रिजल्ट ये है, देख सकते हैं सर हेयर रिमूव हो गया। हेयर रिमूवल क्रीम यूज करने वाली हूँ गाइस, इसको कभी भी आप नेल पे नहीं लगने दोगे। ये जो स्पैचुला दिया हुआ है इससे थिक लेयर बनानी है। इसके बाद 2 मिनट तक वेट करना है। दूसरी स्ट्रिप को आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक ऐसे एक के ऊपर ऐसे फोल्ड करके अच्छे से उस प्रकार आप इसको रख सकते हैं। स्ट्रिप यूज करने के बाद इसमें एक परफेक्ट फिनिश वाइप्स रखा, जहाँ मैंने वैक्यूम की है वहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ। अगर आपके सारे वाइप्स ये ख़त्म हो चुके हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एलोवेरा जल भी लगा सकते हो या फिर आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो। तो गाइस 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं स्पैचुला की हेल्प से अपोजिट डायरेक्शन में रिमूव करना होगा हेयर ऐसे। तो गाइस कुछ इस तरह का रिजल्ट है। अगर आप वैक्सिंग नहीं यूज करना चाहते हो तो ये बेस्ट है, दोनों डायरेक्शन में ये है। इस डायरेक्शन में जो इधर वाला अपनी थ्रेडिंग कर सकते हो और इधर वाला है जिसमें आप अपर लिप रिमूव कर सकते हो, पूरे बॉडी के हेयर रिमूव कर सकते हो। इधर की तरफ ये जो है बना है, इसको जब 1 की तरफ कर देते हैं तो ये चलना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। ये यहाँ पे आगे मैंने रिमूव किया। अब लास्ट वीनस, इसका भी टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा बॉडी वॉश भी लेते हैं, थोड़ा सा पानी लेकर के मैं आपको हेयर रिमूव करके दिखाती हूँ। कुछ इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन तक मैं इस डायरेक्शन आपको तो डायरेक्शन में रिमूव कर रही हूँ। आप अगर वीनस से हेयर यहाँ के रिमूव कर रहे हो तो आपको यहाँ की स्किन कुछ इस तरह से फिंगर को ऐसे मोड़ के फिर बहुत ही सावधानी से आपको हेयर रिमूव करना होगा। वीनस को डायरेक्ट आप अपनी बॉडी पे नहीं यूज करेंगे बिना कुछ लगाए। जैसे आप बॉडी वॉश यूज कर सकते हो, सोप यूज कर सकते हो, या अगर कुछ अगर नहीं है तो आप हैंड वॉश भी यूज कर सकते हो। वीनस का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है, बट जितनी जल्दी और जितनी इजीली हेयर रिमूव हो जाते हैं उतनी ही जल्द हेयर ग्रोथ भी हो जाती है। वीट हेयर रिमूवल क्रीम से अगर आप अपने हेयर रिमूव करते हो तो इससे भी बहुत ही जल्दी हेयर ग्रोथ हो जाती है। ये स्ट्रिप जो है ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है, इसको आप यूज कर भी बहुत बेस्ट होता है। एक्सटेंट हेयर इसी से आप रिमूव कर सकते हो। जैसे आपको बहुत जल्दी कहीं जाना है, बहुत ही इजीली 2 मिनट में आपके हेयर रिमूव हो जाएंगे बिना किसी टेंशन। ये सेम यही प्रॉब्लम है, इससे भी आपके हेयर रिमूव जितनी जल्दी हो जाते हैं उतनी ही जल्दी हेयर ग्रोथ भी हो जाती है। गाइस वैक्सिंग ही सबसे बेस्ट होती है, उससे काफ़ी दिन तक हेयर ग्रोथ नहीं होती है। अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो आप और भी तो आप वीट हेयर रिमूवल क्रीम, ट्रिमर और वीनस, ये 3 चीज़ें यूज कर सकते हो, वरना सिर्फ बेस्ट वैक्सिंग होती है। अगर आपको वैक्सिंग से
प्रॉब्लम होती है, आपकी स्किन रेड हो जाती है, आपकी स्किन में ड्राइनेस हो जाती है, ये तो आप वैक्सिंग बिल्कुल भी मत कराइए। तो गाइस ये थी मेरी हेयर रिमूवल टेस्ट की वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी और लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को